तो गुड मॉर्निंग। और अभी 9:38 हो रहा है, मीन्स 9:40 हो गए, वही 38 बोले तो 9:40। और ब्लॉग अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। चाय रखी है यहाँ पे मेरी, चाय पीऊँगी। और साड़ी भी देने जाना है आज मुझे, एक मिनट। और यहाँ पे मैं साड़ी निकाल रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा करके, एक मिनट। ये बांधनी की साड़ी निकाली है, ये वहाँ पे मंदिर वगैरह में जाएंगे तो मैं ये लेने वाली हूँ। वो दिखा, वो ना, वो कलर नहीं चाहिए मुझे। यहाँ मैडम ऊपर चढ़ के साड़ियाँ निकाल रही है, देख लो, वो भी नहीं चाहिए मुझे। और यहाँ पे ये साड़ी है, ये सब नए हैं अभी। ब्लाउज़ और फॉल बेडिंग करना है, जो हमारे घर में देवी रखती है ना, घर में नहीं रखते, पंडाल में रखते हैं ना, उनको ये साड़ियाँ लगाई जाती है। चैत की जो नवरात्रि रहती है उसमें हम लोग पंडाल में रखते हैं। काय करते, घड़ी खराब झाली, नको ते पण नको, मला चांगला पाहिजे। साड़ी सब अच्छी है लेकिन चॉइस नहीं समझ में आ रही है। तो ये सब साड़ियाँ देवी पहन चुकी हैं हमारे घर में। नको है, दिखाओ इधर, दिखाओ इधर, लाओ इधर, लाओ। ऑलरेडी मैं एक ऑरेंज लेके जा रही हूँ, ला दिखा, देखते उसका ब्लाउज अलग है ना, इधर दिखा। हाँ नेची नको है मला, ये देखिए साड़ियाँ। साड़ियों का सिलेक्शन नहीं समझ में आ रहा है, तो ये 3 महीने निकाले हैं, इसका ब्लाउज मैं दूंगी। और अभी ये पूरी नेट की साड़ी है ना, इस पर वो सैटन का ये जाएगा परकर, दिखने को अच्छा तो दिख रहा है पण ते नेट ची मला नाही आवडत। तो सिलेक्शन नको, गुलाबी गुलाबी कुठली काढ तरी, सर्व नाही काढायला लावते, नको त्याच्यामध्ये काढाय, लग्नामध्ये काढा नाही घालणार, नको नाही। मेरे कपडे सिलेक्शन के थोडे बहुत ज़्यादा नाटक है। अभी फिलहाल 3 देती हूँ, ऑलरेडी मेरे पास स्टिच किए हुए भी है, उसमें से भी कुछ लेके जाऊँगी, बट नए में मैंने ये लिया है। साड़ियाँ बहुत हो जाती है क्योंकि हर साल चैत्र की नवरात्रि में देवी को साड़ी लगाते हैं ना, तो हम लोग बहुत बड़ा पंडाल रखते हैं जिसमें 200-400 लोग हर रोज़ दर्शन के लिए आते हैं, फिर भंडारा होता है हर रोज़ 9 दिन। तो ये साड़ियाँ उनके लिए 9 दिन का हम लोग ले लेते हैं, तो ये सब साड़ियाँ उतरती है तो हम लोग ही डालते, मैं और मेरी सिस्टर जो मेरी देवरानी है वो। तो अभी इसका ब्लाउज सिला लेते हैं, ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगी, बांधनी की साड़ी, कलर कितना मेरे पे खिल रहा है, अच्छा लगेगा। तभी ब्लाउज सिंपल सिंपल ही सिलाऊंगी क्योंकि इतनी हैवी साड़ियाँ है ना, ज़्यादा और झगरमगर वाला ब्लाउज सिलाएंगे ना तो अच्छा नहीं लगता। तो चलिए मैं चाय पीती हूँ, और कुठला झगड़ मगड़ काढू, ते शिवलेला तिकडे खाली आहे ना, ते आता नको काढू, हे राहू दे, ते नवीन साड्या पाहिजे मला, एवढंच होते। हे कुठली, इधर दाखव, इधर दाखव, इनको एक मिनट, हे बघ, पण प्लेन आहे राधा, नुसतं बॉर्डर आहे। बघते ठेव इथे, मी ब्लाउज शिवून घेते। जे कंजूस मारवाडी बोल रही है, बोलती है तुमच्यासारखं बाई मी तुम्हाला कधी नाही बघितली, मला असं माझ्यासारखी बाई ती नाही बघितली कधी, कंजूस मारवाडी, मला कंजूस मारवाडी बोलते। ह्याच्यामध्ये पण नवीन साड्या होती, कुठे गेली, हे एक लालच दिसते मला, हिरवा दिसते बघ, मी कधी नाही काढली दादा, तिची खाली बघ, नवीन पडली आहे बघ, हां कसली कलर आहे बघू,
डार्क लाइट कलर है ना, पन पैटर्न कशी है। वो भी सब नई साड़ियाँ है, दिखा उसका पैटर्न सेम आए हैं, कलर बिगड़े है। मलाच माहिती नाही माझ्याकडे साडी आहे किती गाला दिली हां ती एक वंदन ताईला दिली वाटते है ना काय माहिती हां ती तुम्हीच गेले नव्हते काय हां आणि दोन ये ते काढून ठेव मी ब्लाउज करून ठेवते तिचं ते लालचं केलं आहे ना ब्लाउज तो चलिए हमारा तो ये चलता ही रहेगा ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है मिलती हूँ बाद में नीचे आई हूँ शॉप देखने मेरी सोसाइटी के नीचे ही है यहाँ पे और यहाँ पे हाय बोलो मैडम वीडियो शॉप दिखा रहे हैं मेरे ही सोसाइटी में है जब फाइनल हो जाएगा तो मैं आपको शॉप दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी और नीचे से आ गई हूँ तो यहाँ पे बनाने लगी हूँ आलू परवल की सब्ज़ी परवल फ्रिज में रखे रखे ख़राब हो रहे थे तो मैंने सब्ज़ी बना दी तो यहाँ पे राई का तेल डाल दिया है कुकर में और जीरा का तड़का लगाया है आप अदरक लहसुन मिर्ची डाल सकते हो पेस्ट मैंने नहीं डाला है प्याज डाल दिया है यहाँ पे उसको थोड़ा सा भून के लूँगी साथ ही मैं इसमें आलू परवल डाल के और साथ ही साथ नमक हल्दी भी डाल दूँगी साथ ही साथ और यहाँ पर मैंने डाल दिया है और साथ में मैंने लाल मिर्ची गर्म मसाला धनिया पाउडर काली मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर मैंने डाल दिया है और उसके बाद से इसमें मैं जितना पानी चाहिए जितनी ग्रेवी चाहिए उतना मैं डाल दूंगी मेरे पास टमाटर नहीं था मैंने नहीं डाला तो आप टमाटर भी डाल लेना और साथ ही में मैंने कुकर दाल का भी लगा दिया है और चावल भी भिगा के रख दिए हैं यहाँ पे देखिए और यहाँ पे चावल भी भिगा दिया आटा लगा के रख दिया है मैंने और सब्ज़ी दिखाती हूँ ये चार सीटी मैंने लगाई तो देखिए कितना यम सब्ज़ी बना है तो चलिए मिलती हूँ बाद में दादा आ गई शॉप पे ब्लाउज दे रही हूँ इनको फर्स्ट टाइम दे रही हूँ आप ही हाय कर दो यूट्यूब पे आओगे मेरे सोसाइटी के पास ही है तो मैंने बोला चलो यहाँ पे दे देते हैं और ये उनका शॉप है तो गुड मॉर्निंग और अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं पी रही हूँ देखो क्या मेरा ग्रीन टी सुबह सुबह और नेल पॉलिश फिर से चेंज किया बहुत लोगों को मेरी नेल पॉलिश अच्छी लग रही है ये शॉप में मैं चेंज कर लेती हूँ अभी पी रही हूँ ग्रीन टी मैंने सोचा आप लोग से थोड़ी बात कर लूँ फाइनली ये काम हो गया मेरा कपड़े वगैरह देके हो गए स्टिच करने के लिए सबसे बड़ा टेंशन वही रहता है और साड़ी फॉल बेडिंग वगैरह के लिए दे दिया देखते हैं हमारी 30 तारीख की टिकट कंफर्म हो गई है 30 नवंबर की तो 30 नवंबर से हम लोग जाएंगे हम लोग 9 लोग एक साथ जा रहे हैं जैसे मेरी बड़ी सिस्टर उनकी फैमिली और हम लोग में भी हम लोग 3 जन जा रहे हैं साहब नहीं जा रहे क्योंकि साहब को टाइम नहीं है यहाँ पे भी देखना है सब ये मेरा भी शॉप है ना इसके लिए तो सब देखना है सुबह सुबह ग्रीन टी अच्छा लगता है मुझे ग्रीन टी की ऐसी आदत हो गई है कि अब उसके बिना मुझे शांति नहीं है मुझे एक सर पे दूध वाली चाय नहीं मिलेगी तो भी चलेगा लेकिन ग्रीन टी चाहिए बहुत ज़्यादा लेकिन सिस्टम को काफ़ी अच्छा रखता है बहुत लोग पूछते हैं आप इतना ये सब खाते हो आपको कैसे प्रॉब्लम नहीं होता तो मैं पहले बता दूँ मैं ग्रीन टी वगैरह लेती हूँ गर्म पानी लेती हूँ फिर प्लस गाजर बीट का जूस लेती हूँ कभी स्मूथी वगैरह ले लेती हूँ जैसे एप्पल और नहीं तो मौसमी जूस कुछ ना कुछ तो ले ही लेती हूँ खाना मेरा इतना ज़्यादा नहीं है जैसे राइस वगैरह ये सब मुझे इतना ज़्यादा नहीं क्यों फूड मूड के लिए पहले बनाती थी और वीडियो तो खा लेती थी क्योंकि पूरा दिन स्टमक मेरा खाली रहता था शाम को थोड़ा बहुत खा लेती थी बट अभी फूड मूड के लिए भी शूट नहीं कर पा रही हूँ चैलेंज करना है लाई हूँ अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ चैलेंज करने के लिए कोई नहीं देखती हूँ आज कर पाती हूँ कि नहीं कर लेंगे तो अच्छा है और 2-3 वीडियो शूट करके रखना है क्योंकि
क्या मालूम नेट मिलेगा नहीं मिलेगा, मोबाइल चार्ज होगा नहीं होगा। तो अगले महीने का वीडियो इस महीने थोड़ा सा शूट करके रख लेंगे ना, तो टेंशन नहीं रहेगा। और मोबाइल में इतना स्पेस भी नहीं है ना, मेरे पास कैमरा भी नहीं है, कैमरे के लिए पैसे चाहिए पैसे भी नहीं है मेरे पास कैमरा लेने के लिए। लूँगी, ऐसा नहीं है, बट सोच रही हूँ अच्छा वाला एक ही बार ले लूँ। ब्लॉगिंग के लिए जो कैमरा आता है ना, वो सोच रही हूँ लेने के लिए, अच्छा पड़ेगा। मोबाइल में कैसे ना कॉल वगैरह आ जाता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है, फिर मुझे वापस से उतना एडिट करके निकालना पड़ता है। देखते हैं क्या होता है, जाने से पहले ले पाती हूँ या नहीं, ये सब भी है। तो चलिए मैं इसे पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ बाद में। अभी इधर उधर करूँगी, इधर उधर मतलब मोबाइल में एडिट वगैरह कर लेती हूँ, जो 2 बजे वीडियो पोस्ट करना रहता है वो सब एडिट कर लेती हूँ। ठीक है, चलो मिलती हूँ बाद में। गुड मॉर्निंग, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ ब्रेकफास्ट मेरा। तो मैं टमाटर की चटनी बनाने वाली हूँ, जो मैं पाव के साथ खाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है मैंने, और साथ ही मैं थोड़ा सा राई डालूँगी। अभी मस्टर्ड ऑयल गर्म करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो यहाँ पे मैंने राई डाल दिया है, साथ में हरी मिर्ची डाल दी है। आपके पास कड़ी पत्ता हो तो कड़ी पत्ता भी डाल देना। ये चटनी और की रेसिपी ऑलरेडी मैंने शेयर की हुई है, लेकिन फिर भी बता रही हूँ। और साथ में मैंने 3-4 टमाटर डाल दिए हैं, इसमें मैं और राधा दोनों ही ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी टमाटर को गला लूँगी, सिर्फ इसमें हल्दी नमक डालना है, धनिया डालना है, यही सब डालूँगी, बाकी कुछ नहीं। और इसको अच्छे से तेल छूटने तक फ्राई करके लूँगी। आप लोग भी ये चटनी एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही यम लगता है। और साथ ही मैं इसके साथ बनाने वाली हूँ मेरा एप्पल शेक, मतलब एप्पल मिल्क शेक। तो यहाँ पे मैंने ये जार ले लिया है, जार में मैं एप्पल छील के डाल दूँगी। आप छिलके के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन छानना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पे मैं एप्पल काट के डाल रही हूँ, और साथ ही मैं दूध और बर्फ़ दोनों ही साथ में डालूँगी। अगर ठंडा नहीं चाहिए तो आप गर्म दूध ही डाल के पी सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरा चटनी हो चुका है, और साथ में जो मिल्क शेक है एप्पल मिल्क शेक वो भी हो चुका है। तो चलिए मैं इसे एंजॉय करती हूँ और मिलती हूँ बाद में। ठीक है, हेलो, फाइनली सुबह से अभी टाइम मिला, अभी बज गया 1, और अभी मैं जाने वाली हूँ शॉप पे। तो मैं बोला कि वीडियो का एंड कर दूँ, क्योंकि 2 बजे मैं पोस्ट करती हूँ, और मेरा ब्रेकफास्ट अभी हुआ। और अभी इसका टाइम है, इतना ही चाहिए, लेकिन चाहिए थोड़ा थोड़ा, चाहिए थोड़ा थोड़ा प्रसाद। तो चलिए इसे खाते हैं, बस ठीक हो रहा है। तीखा तीखा खाया था ना इसके लिए। और फाइनली मेरा कपड़े वगैरह देके हो गया, और शॉप का तो चालू ही है, उसका तो देखो कब तक फाइनल होता है। और टिकट भी आ गई, वो सब भी मैंने सुबह बता दिया था। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, आलू परवल की सब्ज़ी कैसी लगी बिना टमाटर की? टमाटर नहीं रहता तो मैं अमचूर डाल देती हूँ थोड़ा खटास के लिए। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।